2021 को स्कूल शिक्षा और खेल विभाग ने स्कूल फीस 15% कम करने का सरकारी फैसला जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि एसोसिएशन से संबंध स्कूलों ने उन छात्रों को स्कूल फीस में 25% की छूट देने का फैसला किया है जिनके माता पिता की नौकरी या व्यवसाय खो गया है और जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करना स्कूलों पर अनुचित होगा। जिन माता पिता की सातवीं आय लागू नहीं है और जिनका व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा है, उनके माता पिता के बच्चों को 15% की छूट देने की मांग की गई है। संस्था की ओर से अधिवक्ता सौरभ काले व अधिवक्ता किरण नंदेश्वर देख रहे हैं। 12 ऑगस्ट 2021 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ने 15% शालेय शुल्कात कपात करण्याबाबतचा निर्णय घेतला। या निर्णयामुळे ज्या पालकांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे अशाही पालकांना सूट द्यावी लागणार, त्यामुळे हा शाळांवर एक अन्याय आहे। या विरुद्ध आम्ही शासनाला विनंती केली आणि ती विनंती आजवर मान्य झाली नाही, त्यामुळे आज आम्ही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों के छोटे और ग्रामीण स्कूलों के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वर्तमान में 50% से भी कम फीस वसूली की जा रही है। BCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।